फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच एक नया डिश लाया, स्वीट डिश बिना गैस जलाए हुए बनाएंगे इसको। और आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, तो बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हमने गैस नहीं जलाने वाले हैं। बहुत आसानी से एक स्वीट डिश बना लेंगे हम। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम पनीर लिए, उसको हम तोड़ लेंगे इस तरीका से। अगर आप तोड़ना नहीं चाहते तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं आप इसमें। और इसको बिना चाशनी के भी हम बनाएंगे आसानी से स्वीट डिश। तो इसी तरीके से आपको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नारियल पाउडर। नारियल पाउडर मैंने फ्रेश यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग के पास अगर फ्रेश नहीं है तो आप पैकेट वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने आधा कप चीनी को पाउडर करके डालेंगे, जो कि बहुत जल्दी इसमें मिल जाएगा इसलिए। और देखिए, इसी तरीके से आपको जो पनीर को मैश करना है ताकि गाढ़ गाढ़ ना रहे। और ये मेरा फ्रेश नारियल है जो कि ग्रेट करके मैं रखा हूँ, और उसको मिक्सी में पाउडर कर लिए, ग्राइंड कर लिए, फ्रेश है। और ये मिल्क पाउडर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो कि बहुत बढ़िया लगेगा और स्वाद भी बढ़ा देगा मिल्क पाउडर पनीर के साथ में ऐड होगा तो। और इसी तरीके से मिलाने के बाद मैं चीनी ऐड करेंगे, जो कि हमने चीनी को पाउडर कर लिया, उसको ऐड करेंगे ताकि खाने में मीठा लगेगा और अच्छा लगेगा, इसलिए चीनी डाल रहे हैं। डालने के बाद इसको मिला लेना है इसी तरीके से। देखिए, इसी तरीके से मिलाना है दोस्तों आप लोग को भी, और बहुत जल्दी बन जाएगा, घंटों का मिनटों में बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। कालाकंद है, केरला स्टाइल में हम बना रहे हैं। बाकी तो आप कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमको। कि मैं थोड़ा सा अलग रख ले रहा हूँ, जो कि ऊपर से रोल बनाऊंगा और जो अंदर इसके अंदर स्टफिंग करूँगा उसको हम थोड़ा कलर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर एक बहुत बढ़िया फ्लेवर रहता है। ये थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसमें हम, जो कि खाने में बहुत मज़ा आएगा, ड्राई फ्रूट है। तो मैं इसमें कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो कि हम लोग के पास कलर बैन है इसलिए हम कलर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इसमें घी में हल्दी का पाउडर इसमें घोल के और डाले हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है घी, और फ्लेवर बढ़ा देगा घी, इसीलिए मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। आपका अगर घी कलर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें केसर भी यूज कर सकते हैं, केसर अच्छा कलर लाएगा। अगर केसर नहीं है तो आप भी मेरा ये ट्रिक आप आजमा लीजिए, बहुत अच्छा है। हल्दी भी खाया जाता है गरम, मैं घी में डाल के इसको लगाया हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आज के वीडियो में मैंने गैस नहीं जलाया, और मैं ही नहीं जला। तो आप बोलेंगे कि पनीर तो बना है तो गैस लगा है, तो जी हाँ गैस लगा है, क्योंकि हमने पनीर को फाड़े नहीं है, मेरा पनीर को मार्केट से आया हुआ है। तो गैस तो हमने जलाया नहीं इस वीडियो में, इसीलिए मैं बोला था इस वीडियो में कि मैं आज के वीडियो वाला में भट्टी नहीं जलाएंगे, और बिना भट्टी जलाए हुए एक अच्छा शानदार मिठाई आप लोग को बना के बताऊँगा। और बहुत ईजी, इसी को इसी तरीके से कर लेना है। अगर बेलन से आप बेलना चाहते हैं तो बेलन से भी बेल लीजिए। और इसका एक दो साइड में कॉर्नर आगे और पीछे थोड़ा हम कट कर देंगे ताकि मोटा नहीं होगा ज़्यादा। देखिए, इसी तरीके से आपको पूरा स्लाइड कर लेना है पतला। इसके ऊपर जो हमने रोल बनाया उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद एक रोल बना देंगे, और रोल बनाने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रहेगा, तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। स्वीट ऐसे भी थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में नहीं, थोड़ा कूलिंग में रहता है। आप इसको 5 से 6 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसी तरीके से टाइट करिएगा तो आपका जो रोल बनेगा वो बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगा स्वीट ये। और इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगा, बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आप घर पे बना सकते हैं इसको। देखिए, इसी तरीके से मेरा जम गया, 1 घंटा रख दिया था। इसको आप रोल काटना चाहते हैं तो रोल में काटिए, नहीं तो बर्फी स्टाइल में भी आप काट सकते हैं। मैं रोल स्टाइल में काट रहा हूँ। और काटने के बाद इसको सजा देंगे एक प्लेट में, और देखिए कितना शानदार बन के तैयार हुआ है बिना गैस जलाए हुए, क्योंकि पनीर मार्केट से आया हुआ था इसलिए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि आपका कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है और फीडबैक भी मिल जाएगा मेरा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाएगा, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा, और मैं भी एक ग्रो नहीं हो पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी मेरा वीडियो वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के बाय।